भाकपा माले ने विरोध दिवस मनाते हुए आज धरना प्रदर्शन करते हुए विरोध दिवस मनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी का पुतला दहन किया। इस दौरान भाकपा माले के जिला सचिव डॉक्टर कैलाश पांडे ने कहा कि विगत 21 दिनों से जिस तरह लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो गई वह नितांत जन विरोधी और अस्वीकार्य है। मोदी सरकार 2014 में पहली बार पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि को एजेंडा बनाकर सत्ता में आई थी, लेकिन इस सरकार के 6 सालों में मूल्य वृद्धि ने वो रिकॉर्ड हासिल कर लिया जो आज़ादी के 7 दशक में कभी नहीं हुआ। पहली बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बराबर हो गई हैं और कुछ स्थानों पर तो डीजल के दाम पेट्रोल के दामों से अधिक हो गए हैं। के दामों में लगातार जो वृद्धि हो रही है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे धरना कर रहे हैं और मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में भारी गिरावट होने के बावजूद कोरोना के दौर में जिस तरह से जनता पहले से ही त्रस्त है उस समय पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ाए हैं उससे समझ में आता है कि आम आदमी से इनका कोई लेना देना नहीं है, किसानों से इनका कोई लेना देना नहीं है। खेती किसानी के लिए डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, किसान परेशान है और हम ये मांग करना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों की तरह ही भारत में भी पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की जाए। और मोदी सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी नहीं की गई तो हम लोग मोदी सरकार गद्दी छोड़ो, मोदी सरकार इस्तीफा दो के नारे के साथ आंदोलन को और तेज करेंगे। Thank you.